नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बुकर ज्वाइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ काजू कतली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और खास बात होती है कि एकदम प्योर होती है आप जब घर में बनाते हो। इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि मेरी काजू की कतली कैसे सेट हुई है। तो आप देखिए ये कितना अच्छा, एकदम मार्केट जैसा है ना। तो आप भी अपने किचन में से ज़रूर बना सकते हैं। बस छोटी सी जो ट्रिक है या आपका ये स्टेप्स है उसे फॉलो कीजिए। बच्चों को आप इसे खिलाइए, एक प्लेट में दे दीजिए, अदरवाइज वो नट्स खाने में बहुत आनाकानी करते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, मेरे किचन में चलते हैं। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम काजू लिया है। अगर आप कटोरे से नापोगे तो एक कटोरी या एक कप होगा। इसे हम पल्स स्टाइल से पीसेंगे। एक बार में बहुत तेज मतलब पूरा ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे ग्राइंड करना है और चेक करते रहना है कि हमारी जो पाउडर है वो कैसी बनी। बस हल्का हल्का करके इसे आप जब ग्राइंड करेंगे, आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छी इसकी जो पाउडर है वो हमारे मिक्सर ग्राइंडर में ही बन जाती है। अब इसमें कोई भी दाने नहीं है, बस ये हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है शुगर। तो जितना मैंने काजू लिया उतना ही यहाँ पे शुगर ले रही हूँ मेजरमेंट से, लेकिन अगर आप कप से नापिएगा तो वो हाफ कप होगा, मतलब एक कप शुगर में हाफ कप चीनी। और अगर आप मेजर करके डालते हो तो 150 ग्राम काजू में 150 ग्राम चीनी। अब थोड़ा सा जितना भी कप से हमने चीनी लिया उसका हाफ हमें बस पानी डालना है, ताकि ये बस जो हमारा शुगर है ना ये चिपचिपा हो जाए। इसे हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं तैयार करनी है। आप देखिए यहाँ पे ये शुगर जो है ना बस चिपचिपा सा हुआ है और अभी कोई चाशनी एक तार की नहीं बनी है, बस बनने वाली है। इस स्टेज में मैं इसमें जो हमारा पाउडर पीसा हुआ काजू है वो डाल दूंगी। तो आप देखिए मैंने इसी बॉल से चीनी दिया था और इसी बॉल से मैं काजू का पाउडर डाल रही हूँ। और अब इसे धीमी आंच पे हमें चलाना है। बहुत जल्दी ये जो काजू है ना ये हमारे शुगर सिरप में घुल जाएंगी। इसे आप चलाते रहिए। अच्छा होगा कि आप नॉन स्टिक में बनाइए, नहीं तो नॉर्मल कढ़ाई में ये बहुत चिपकता है। और आप देखिएगा कि धीरे धीरे ये रिड्यूस हो रहा है। अगर आप चीनी एक तार की बना लोगे तो इस समय ये ड्राई हो जाएगा, इसीलिए एक तार की हमें चीनी नहीं बनानी है कढ़ाई को, क्योंकि हमें थोड़ी देर गैस में भी इसे पकाना है। अब ये देखिए हल्का हल्का पूरा हो चुका है। अब थोड़ा सा इसे और हमें रिड्यूस करना है, लेकिन इस स्टेज पर हम इसका गैस बंद कर देंगे और तब भी हम कढ़ाई को चलाते रहेंगे। और आप देखिए थोड़ी देर में आप देखिएगा कि ये पूरा एक जगह इकट्ठा हो गया है और ड्राई हो गया है, सूख गया है। अब इसे किसी भी जो पॉलिथीन होता है उस पे हमें निकालना है, क्योंकि ये जो हमारा काजू का जो डो है इसे हमें मैश करना है। तो इस समय ये हल्का गर्म है, मतलब गर्म नहीं होना चाहिए नहीं तो आपके हाथ जलेगी। और पन्नी पे इसलिए डालते हैं ताकि ये चिपके नहीं। और फिर जिस तरह से आप देखिए मैं इसे इसके डो को मसल रही हूँ, ठीक इसी तरह से आप मसलिए। चार पांच बार जब आप ऐसे कीजिएगा तो ये टोटल हमारा जो काजू का डो है ये अच्छा से फॉर्म हो जाएगा। फिर हाथों की सहायता से हम इसे जैसे हमारा आटा गूंथा जाता है ठीक उसी तरह से इस डो को हमें मिक्स करना है। अब ये डो आप देखिए एकदम अभी ये हल्का ठंडा भी है, पूरा ठंडा भी नहीं हुआ है, बस इसे एक जगह हमें इकट्ठा करना है। और एक मोटा सा जैसा हम जो रोटी बेलते हैं उसी बेलन से इसे हमें बेलना है। तो मैं इसे रेक्टेंगल रख रही हूँ, आप चाहो तो गोल भी इसे बेल सकते हो। ठीक
है ना, मैं सोच रही थी कि थोड़ा कम वेस्ट हो, ज़्यादा बर्फी निकले, क्योंकि बच्चों को बर्फी का जो शेप होता है वो बहुत पसंद आता है। तो किनारों से आप देखिए, मैं इसके शेप को देने की कोशिश कर रही हूँ। तो काजू कतली आप जब घर में बनाते हो ना, तो खास बात है कि आपने इसमें सिर्फ चीनी और काजू का पाउडर डाला है। अभी ये मेरे पास चांदी का वर्क है, ये बहुत ही डेलिकेट होता है। आप देखिए मेरे हाथों से चिपकने लगा, पर कोई बात नहीं, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो ये कंप्लीट ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है इसे डालने की। काजू का कतली विदाउट वर्क भी उतना ही टेस्टी लगता है। चलिए मैंने इसे चिपका दिया, अब क्या करेंगे, मैंने चाकू से हल्का सा देखिए निशान बना लिया है एक रफ आइडिया के लिए। और अब इसे ठंडा हो गया है हमारा काजू का कतली, अब इसे मैं कट कर लूंगी। तो घर में बना हुआ काजू कतली एकदम प्योर होता है और काफी हेल्दी। अगर आपके बच्चे नट्स नहीं खाते हैं तो आप काजू कतली अगर एक दो दे दीजिए, आप देखिए वो खुशी खुशी खा लेंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं जानती हूँ आपका भी शायद ऐसा ही होगा। बनाना भी इसे आसान है, ये सेट हो जाता है, सिर्फ चीनी पे आपको ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा मतलब चीनी एक तार की अगर आप कढ़ाई में पहले चढ़ा दोगे, बना दोगे, तो जब आप उसे रिड्यूस करने जाओगे तो क्या होगा, वो ड्राई अप होके निकलेगा। अगर आप पानी ज़्यादा डाल दोगे और तब आपका बढ़िया से चाशनी रेडी नहीं होगा, तब भी ये गीला गीला सा हो जाएगा और ड्राई अच्छा से नहीं होगा और सेट नहीं होगा। तो बस ध्यान दीजिए, एक दो बार बनाइए, जरूर अच्छा आपसे भी काजू कतली बनने लगेगा। शुरू में मुझसे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, पर अब अच्छी बनती है। तो जरूर ट्राई कीजिए इस काजू कतली को अपने घर में और बनाइए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा कि कैसी बनी। मैं तो इस दिवाली के त्यौहार में इसे जरूर अपने घर में बना रही हूँ, आप भी बनाइए। जो भी नए लोग हैं हमारे चैनल पे, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए। आप देखिए कितना अच्छा, एकदम साइड भी बहुत अच्छा कटा है और ये अच्छा थिक भी है ना। और साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कतली बनाइए और एंजॉय कीजिए इसे अपने घर में, फेस्टिवल में, बच्चों के साथ। एक बार फिर से मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ और इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है। आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस काजू कतली को। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।